Good morning, friends. आओ जाने एक देश के बारे में जो भारत के मानचित्र पर मानचित्र के बाहर छोटा सा दिखता है, नेपाल। भारत के सहयोग से, हेल्प से सिक्स लेन बनने जा रहा है नेपाल के बॉर्डर पे, जिसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं पूरा एरिया। एक टाइम में यहाँ से निकलना मुश्किल होता था। भारत के द्वारा दी गई बहुत बड़ी राशि, जिसके द्वारा नेपाल एक बहुत बड़ा सिक्स लेन रास्ता बनाने जा रहा है, जिससे भारत नेपाल से प्रॉपरली कम्युनिकेट हो पाएगा पर्यटन के थ्रू, बस के थ्रू और अदर रिसोर्सेज के थ्रू। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिक्स लेन रोड बनेगा, जिसके थ्रू काफ़ी कुछ एक्सचेंज भारत और नेपाल के बीच हो सकता है। रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी रही है ऐसे देशों में, जहाँ पे रोज़गार के नए स्रोत भी जनरेट होंगे। आप देख सकते हैं पूरा एरिया, यहाँ पे बड़ी मात्रा में रोज़गार का बनना, रोज़गार बनने की संभावना है। आप देख रहे हैं पूरा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी देश अनडेवलप और अनविकसित हमेशा नहीं रहता है, उसकी तरक्की कभी ना कभी होती है, जो हम देख सकते हैं। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री है, वैसे ही यह देश भी आने वाले समय में डेवलपिंग कंट्री के रूप में दिखेगा। काफ़ी कुछ क्लियर होता दिख रहा है यहाँ से भारत का योगदान। बीस से 25 किलोमीटर में फैला हुआ ये रनवे है। सिक्स लेन रनवे आने वाले समय में बनने वाला है, इसमें जो लगभग 20 से 25% कंप्लीट है। आप देख सकते हैं इसे। इस तरीके से रोज़गार के बहुत से स्रोत जनरेट होंगे यहाँ से। रोज़गार की वैसे ही काफ़ी कमी है इंडिया में भी, नेपाल में कुछ ज़्यादा ही है। जिसके नज़रिए से ये एरिया काफ़ी विकसित होगा। इस तरीके से दोस्तों, अब आप काठमांडू बड़ी आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं, घूमने फिरने के मकसद से। तीर्थ स्थल जनकपुर जैसे और भी बहुत से तीर्थ स्थल हैं यहाँ, जहाँ आप आराम से पहुंच सकते हैं। जनक जी का धाम, जहाँ आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। पुराने समय में काफ़ी समय लगता था यहाँ पहुँचने में, अब हम बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने डेवलपिंग कंट्री के बारे में जाना, कैसे तरक्की कर रही है ये कंट्री और हम इसको कैसे समझ सकते हैं और आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकते हैं तरक्की का। तीर्थ स्थल जनकपुर धाम यहाँ से 10 से 20 किलोमीटर दूर है, बड़ी आसानी से हम पहुँच सकते हैं वहाँ। इस
तरीके से दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें। जैसा कि मेरे पास कमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। आप अपनी डिमांड ज़रूर बताएं, हक से बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।